बम फूटा, लेकिन राधा उसके साथ नहीं फूटी। शादी में राधा वापस ना आ जाए, इसलिए मैंने उसके पीछे गुंडे भी भिजवाए थे। पकड़ लड़की को, अरे पकड़, अरे पकड़ ले यार। शिवरात्रि में वो खीर में तो जहर मैं नहीं मिलाया था। वेरी गुड दामिनी, बोल। वो टर्की मामा, मैंने उसकी भी तो मदद की थी, ताकि बस एक बार ये प्रूव हो जाए कि राधा ना, राधा बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। मतलब ये मामा जी कि हम आपके साथ हैं। अब तक इसे ये तो समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक बात भी नहीं डालती हो, तो अगर मामा जी इसके साइड आ गए तो राधा की पोजीशन इस घर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। और मोहन उसे छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये राधा हर बार बन जाती है, और उसके वो आगे भी आ रही थी, उसके बॉडीगार्ड बन के उसके साथ खड़े रहते हैं। तुम लोगों को तो मेरे सबसे बड़े कांड के बारे में पता ही नहीं। इस घर की सबसे बड़ी बर्बादी। बोलो दामिनी, बोलो जल्दी से, बताओ सबको तुमने क्या किया है। सबसे बड़ी बर्बादी तो मैं, सबसे बड़ी बर्बादी। बस एक परेशानी है। अब क्या? वो हमारी ना कमर बहुत दर्द हो रही है। अरे कोई गलतफहमी हुई था। आओ, आओ। क्या हुआ? कमर में दर्द हो रहा है मुझे। वो तो होगा ही ना, जो कल रात वहां आपने भी तो किया, हमने अकेले थोड़ी ना किया। प्लीज। कोई बात नहीं मोहन जी, जो कुछ हुआ अब देखिए, उसमें कमर तो थोड़ा दर्द होगा ही, पर हमारी माने जो कुछ हुआ ना, सब अच्छे के लिए हुआ। ओह शिट। इनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे खुश क्यों नहीं दिख रहे? कल का दिन तो कितना अच्छा था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन अपने परिवार को एक साथ इतना खुश भी देख सकते। उन सबको खुश देख कर ना हमारी खुशी तो दुगनी हो गई है। सबने कितने प्रेम से होली मनाई। कमर तो दर्द होगी ही ना, कल सबने मिलकर इतना उछल कूद नाच गाना जो किया। इसमें एक बात समझ नहीं आ रही है, मोहन जी कौन सी बात सोचकर इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने क्या कर दिया है? अरे क्या कर रहे तुम? और नहीं तो क्या मोहन जी, कभी हमारी आंखों की तारीफ कर रहे थे,
कभी हमारे बालों की और कभी हमारे बालों के साथ खेल रहे थे। मतलब मोहन जी आप बस 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 आगे मत बढ़ो ना। ये तो हम भी बोल रहे थे ना मोहन जी। क्या? बस मोहन जी बस और आगे मत बढ़िए। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। आप बस पास और पास आते जा रहे। प्लीज मैं क्या बोलूं अब। देखो राधा, जो हुआ ना वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब भांग की वजह से हुआ, और ये कहकर पीछा नहीं छोड़ूंगा कि मैं नशे में था। मैं अपनी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए तैयार हूं। क्या तो ये सारे निशान? ये कुश्ती वाला बिस्तर, वो तुम्हारा कहना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कमर का दर्द। मोहन जी ये निशान ना तब लगा होगा जब आप हमें गोद में उठाकर इस कमरे में लाए थे। अब जो सुबह हम कह रहे थे ना हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, इसलिए कह रहे थे क्योंकि कल रात पूरा परिवार एक साथ नाच रहा था, गाना गा रहा था। और कमर में तो दर्द होगा ही ना मोहन जी, सब मिलकर इतनी धमा चौकड़ी जो कर रहे थे। अरे सब मिलकर इतना नाच जो रहे थे। कुछ भी मोहन जी, नहीं मुझे याद है मैं तुम्हारे पास तो आ रहा था ना, आया तो था तुम्हारे पास। कल रात आप हमारे बहुत पास आ गए थे। सीमा भी लांघना चाहते थे पर हमने लांघने नहीं दी। मोहन जी ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं पर इस तरह नहीं। पति पत्नी का रिश्ता फिर चाहे वो शारीरिक ही क्यों ना हो किसी पूजा से कम नहीं होता है। और कोई भी पूजा कभी भी नशे में नहीं की जाती। हम आपके और हमारे रिश्ते को Thank you.
ये क्या हो रहा है मुझे? तुम बदल रहे हो मोहन। अगर राधा को ऑफिस में जो राज है उसका पता चल गया तो मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे इसे रोक नहीं होगा। फिर हमारा घर, फिर ऑफिस, वो सब कुछ हथियाना चाहती है मुझसे मोहन। उससे ज्यादा चालबाज और घटिया लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शी इज अ ब्लडी बिच। दामिनी, गाली जो तुम राधा को देने वाली थी ना, अगर वो होती ना तो उसके सिंपल से झूठ में तुम अपना सब कुछ खो बैठती। तुम्हें तो पता नहीं है कल क्या हुआ। कल मैं और राधा ना एक ही कमरे में सोए थे। सुबह उठने पर मुझे लगा जैसे मैं और राधा, जैसे हम दोनों ने, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। ये है उसका कैरेक्टर, इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना हजार बार सोच लो। और अगली बार मेरे सामने जब आवाज उठाओगी ना तो किसी सही वजह के लिए उठाना, ये रोने धोने और किचन पॉलिटिक्स के लिए नहीं। मोहन मेरी बात समझ। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अब जाओ तुम। अरे आज घर के खर्चों में कम करना चाहती है, कल ऑफिस में आके ऑफिस के खर्चे कम करेगी। धीरे धीरे हम दोनों को ही इस घर से कम कर देगी वो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता है कि राधा ऑफिस इसलिए जा रही है क्योंकि उसे ऑफिस के खर्चे कम करने हैं। अरे तो फिर ऑफिस जा क्यों रही है वो 2.5 फुट टनल। तुलसी जी, आप यहाँ हैं? अगर है तो हमें कुछ संकेत दीजिए। तुलसी जी, आप जानती हैं ना कि हम दफ्तर क्यों जाना चाहते हैं? मैं तो क्या, दामिनी भी जानती है कि तुम ऑफिस क्यों जाना चाहती हो, इसलिए तो वो इतनी परेशान है। क्योंकि राधा का दिमाग में ना बहुत ही बड़ा चल रहा है। पहले उसने मोहन को उकसाने की कोशिश की ताकि वो ऑफिस चला जाए, और जैसे ही मोहन ने मना कर दिया ना, ये खुद निकल गई है ऑफिस जाने के लिए। मुझे तो लगता है कि वो जो तिजोरी वाले पेपर्स हमने जलाए थे ना, शायद उसकी एक कॉपी राधा के पास है, और उसी पेपर्स के पीछे का सच जानने के लिए वो ऑफिस जा रही है। हम ये तिजोरी वाले कागज का पूरा सच जानने के लिए दफ्तर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर तो स्पष्ट है कि दामिनी जिसने दफ्तर के पैसों में हेरा फेरी की है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस घोटाले के थार आपकी मौत से होते हुए जा रहे। क्योंकि जिस दिन आपकी मौत हुई थी ना तुलसी जी, उस दिन दामिनी जी ने दफ्तर के खाते से नगद 15 लाख रुपए निकाले थे। क्यों? ये जानने के लिए हम दफ्तर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मौत से जुड़े हुए राज की अगली कड़ी दफ्तर से ही होते हुए जा रही है। हे प्रभु, हमारे सारे राज की कड़ियां तो ऑफिस से ही जुड़ी हुई है। देख बिटिया, कुछ भी करके वो राधा को ऑफिस जाने से रोक ले। अगर गलती से भी हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा राज सबके सामने खुल गया ना, तो हम दोनों को पक्का जेल जाना पड़ेगा। अब इस उम्र में जेल जाके तुम्हारी ये माँ रोटियां नहीं खा सकती। देखना देखना, धीरे धीरे हमारे दांत भी गलने लगे हैं। देख देख देख, हम अपने आखिरी सांस जेल की चार दीवारी के बीच में नहीं लेना चाहते बेटा। रोक ले उसे, रोक ना। तुलसी जी, क्या मंजूर है? मोहन, बस इतना ही भरोसा है क्या मुझ पे?
कोई बात नहीं, मैं बस ऑफिस में राधा का काम देखूंगी, और अगर राधा से कोई भी गलती हुई तो उसकी जज मैं नहीं, माँ बनेंगी। माँ ही डिसाइड करेंगी कि राधा को ऑफिस में रखना चाहिए या नहीं। खुश? हमारा दफ्तर में रहना ना रहना, इसका निर्णय भी अगर आप ली थी ना दामिनी चाची, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं। तीसरी शर्त, तुम ऑफिस में मेरी असिस्टेंट बनकर काम करोगे। मेरे होते हुए राधा चैन से कैसे बैठ सकती है? वाह बिटिया, इस चुड़ैल की लगाम हाथ में लेने के लिए अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। हम पैसे हार जाएंगे तो क्या, पर तू ये शर्त जरूर जीतेगी। हाय, नजर ना लगे हमारी बिटिया के दिमाग को। बोलो राधा, शर्त मंजूर है? मंजूर है। राधा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मत बोलो। और कोई शर्त दामिनी चाची? पहले इतना तो करके दिखाओ। करके दिखा देंगे हम आपको, लगा लीजिए जितनी शर्त आपको लगानी है। हर एक शर्त मानकर आपको जीत कर दिखा देंगे हम। राहुल, हम क्या सोच रहे हैं, पैसे राधा के बजाय दामिनी पे लगाया जाए? जीतेगी तो राधा ही। मुझे राधा के लगन पर पूरा भरोसा है। अब जब तुमने मेरी सारी शर्तें मान ही ली है, चलो ऑफिस। चलिए, ऑप्शन ही क्या है? एक मिनट, एक मिनट। बस एक मिनट रुकिए, हम अभी हैं। बड़ी बड़ी बातें करके तो ऐसे गई थी कि कोई गलती नहीं होगी, और ऑफिस के पहले ही दिन में लेट होने वाली है ये लड़की। आ जाएगी, आ जाएगी। ये घर छोड़ के जा रही है क्या? अब चलिए माँ जी। क्या हुआ? बाकी मेरी जब मोहन जी, हम तो भूल ही गए आपको बताना। बताओ। मोहन जी, आज ना गुनगुन के स्कूल में ना वो खेलकूद वाला पीरियड है, तो आप ना वही खेलकूद वाले कपड़े पहना दीजिएगा, और केला चोटी बना दीजिएगा, टिफिन में ना मोहन की मन। मदर इंडिया, तुम्हारे आने से पहले ना 6 साल तक मैंने इसे संभाला है। सब जानते कि कैसे संभाला था गुनगुन को। कभी अलग रंग के मोजे पहना दिए, कभी शर्ट के बटन के जगह पे पिन लगा दिया, कभी टिफिन में कुछ भी डाल दिया। मौका नहीं छोड़ती ना ये बात याद दिलाने की कि मैं कोई काम ठीक से नहीं करता। हाय हाय बाकी बिहारी जी, हमने ऐसा कब कहा? पलट रही। ये बोल रहे हैं कि आप तब तक कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकते ना मोहन जी, जब तक आप कोई काम करते नहीं। ताना मारा। ऑफिस का पहला दिन है, दही शक्कर खा लिया। हाँ। अब मार की बारी है ना। हम तो बस एक मिनट। अरे पहले दिन ऑफिस में तुम्हें रॉकेट पर बिठा के भेजेंगे तुम्हें आसमान पर।
अच्छी चूटी बनाना मेरी। जब राधा मेरी केले वाली चूटी बनाती है ना, तो स्कूल में सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं। अरे डोंट वरी, ऐसी केला चोटी बनाऊंगा ना, तुम्हारे फ्रेंड्स राधा की केला चोटी भूल जाएंगे। कल से हमारे घर के बाहर लाइन लगेगी मुझसे चोटी बनवाने के लिए। अच्छा कम ऑन। कोई चोटी में केला क्यों लगेगा? अरे जल्दी करो, तुम रुकोगी 2 मिनट? केला चोटी बना रहो यार। राधा ने कहा था ना कि पहले तेल लगाना और केला चोटी बनाना। तो ये रहा तेल, ये रहा केला, और चोटी तो मैं बना ही लूंगा ना। अरे मोहन, केला चोटी बस नाम है, स्टाइल है चोटी का। ओ? उसमें रियल में केला नहीं लगाते। वही तो मैं भी सोचू ना कि केला चोटी में कोई केला क्यों लगेगा। वरना कल को संतरा चोटी, तरबूज चोटी, अंगूर चोटी, क्या क्या चोटियां बन जाएगी। नहीं ओ गॉड, बस तुम मेरी नॉर्मल चोटी बना दो, वो ठीक है। अरे नॉर्मल क्या, ऐसी चोटी बनाओ ना तुम, बेस्ट चोटी अवार्ड मिलेगा। आई तो नीचे। राधा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बरसाने के पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो हमारा काम यानी कि हमारा ऑफिस संभालेगी। पर जब ये सब हो ही रहा है तो मन कह रहा है कि इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम यहाँ जिस कारण से आई हो, वजह जो भी हो, पर अगर बाकी बिहारी जी तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी, जरूर कोई अच्छा कारण होगा। और हमें भरोसा है कि तुम्हारे कदम हमारे ऑफिस के लिए बहुत शुभ होंगे। चले घर का कोई भी फोन कॉल ऑफिस में उठाना अलाउड नहीं है। दिन भर तो आप भी दफ्तर से घर पर फोन करती रहती है ना। देखिए गुनगुन का फोन है, हमें फोन लौटाई। बेकार का नियम किसने बनाया है? तुम्हारी बॉस ने बनाया है, यानी मैंने बनाया। वैसे भी यहाँ ऑफिस में तुम्हारी मेरी तो कोई बराबरी है ही नहीं, इसलिए मेरा हर रोल तुम्हें फॉलो करना ही होगा। ये दामिनी जी, गुनगुन ने हमें फोन किया, जरूर कुछ ना कुछ जरूरत होगी उन्हें हमारी, दे दीजिए ना फोन। देखो राधा, इस ऑफिस में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में बच्चे हैं, अगर वो दिन भर यहाँ पे अपने बच्चों से बात करने में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा। अरे पर गुनगुन, एक मिनट राधा। दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। राधा, वहां गुनगुन के साथ मोहन है, पूरा परिवार है, वो सब मिलकर उसको संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो। क्या हो गया?
यहाँ तो कोई रक्षा कवच भी नहीं है। मेरा ऐसा क्या है दामिनी के कैबिन के अंदर जो मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ? दामिनी ने ये जानबूझकर किया है। राधा देखो, तुम यहाँ बैठने से मना कर देना, यहाँ ऑफिस में कभी कोई नहीं बैठता है। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। बाकी बहन जी, हम यहाँ कैसे बैठेंगे? कितनी बदबू है यहाँ। बाथरूम भी बिल्कुल बगल में ही है और ये मेज भी कितनी गंदी है। इतना सारा सामान है यहाँ, इतनी गंदगी में हम अपने भाग्य बिहार जी को कैसे बिठाएंगे? तो मत बिठाओ यहाँ। तो उठाओ अपना सारा सामान और घर चली जाओ। अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। तुम तकिए के नीचे क्या कर रही हो? मोहन जी, चुप हो जाओ। राधे राधे मोहन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दफ्तर जाने के फैसले में हमारा साथ दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि राधा की चिट्ठी। हमें पता है आप 12 बजे सोने जरूर आएंगे। कितना ख्याल रखती है मेरा, मेरे बारे में सब कुछ पता है इसे, इसलिए सोचा कि आपको ये बात बता दे। 2 दिन पहले जब हम आपके कमरे में सफाई कर रहे थे, कितना ध्यान रखती है मेरे कमरे के साफ सफाई की। पता है ना इसे कि मुझे धूल से एलर्जी है। तब हमने एक औरत की हंसने की आवाज सुनी तो हम डर गए। उठकर देखा तो कोई नहीं था, तो हम फिर अपने काम में लग गए। फिर अचानक से किसी ने बिस्तर के नीचे से हमारा पैर खींच लिया। गुनगुनी होगी और क्या, शैतान एक नंबर की। वो भी ना, वो गुनगुन नहीं थी, शालू थी। शालू, तुम्हारे घर के बाहर वाली पेड़ पे बैठे वल्चर है। शालू दिन में भी आती है क्या? आप सोच रहे होंगे ना कि भूत दिन में कैसे आएंगे, पर ये शालू थोड़ी अलग है। ये दिन में भूत बनी थी,
12 बजे उसी पीपल के पेड़ से लटक के, इसलिए दिन में उसकी शक्तियां दुगनी हो जाती है। मैं पता है आपको नींद नहीं आएगी, पता है तो लिखा क्यों, और सोए भी तो शालू उठा देगी, इसलिए नींद को त्याग कर गुनगुन की भाषण प्रतियोगिता की तैयारी करवा दीजिए, वो स्कूल से आती होंगी। ठीक है भाव, आखिर कचरे ने कचरे को ढूंढ ही लिया। वैसे तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत जमेगी। आपसे कोई काम बनता नहीं है और तुम्हें कोई काम आता नहीं। और गायत्री जी, आप यहां वहां दोस्ती करने से पहले एक चीज मत भूलिएगा कि आप आज तक इस ऑफिस में सिर्फ कादंबरी त्रिवेदी की दया की वजह से टिकी हुई हैं। वरना आप तो यहाँ एक पुराना फर्नीचर है। वो भी दीमक लगा हुआ। देखिए अब अपनी हद। आवाज नीचे राधा। यहां मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुम मेरी नहीं। और आप यहां क्यों घूम रही है? जाइए ना, कुछ काम कर लीजिए लाइफ में। काला अक्षर भैंस बराबर। ये इसके लिए बहुत ही इजी है, ये तो फैता ही नौकरानी हुई थी। कुछ बड़ा सोचो ना, कुछ करो। प्लान रेडी है मैम, बस लंच टाइम का इंतजार है। लंच टाइम हो गया, चलो कैंटीन चलते हैं। जी एक्चुअली हम अभी आते हैं। हेलो हेलो मैम। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? अरे गायत्री आंटी तो आवाज से पहचान, क्या करूं? हेलो मोहन, मोहन नहीं 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 आपके आपके दफ्तर में एक लड़की है ना राधा, हम उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं, जरा बात करवा दीजिए ना उनसे। सॉरी मुझे लगा कोई और है, बुलाती हूँ। राधा हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार का फोन है। हमारे रिश्तेदार का फोन दफ्तर में? कौन है? कौन रिश्तेदार? अरे उसे बोले उसका बाप का फोन। नहीं नहीं कहिए उनसे, उनके उनके इकलौते बाप का फोन है। राधा तुम्हारे इकलौते बाप का मतलब आपके पिताजी का फोन है। हमारे बाबा का फोन है? हेलो बाबा? अरे बाबा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मोहन जी, अच्छा तो मोहन का फोन आया है। वही टक्कर हो गया, नाम क्या ले रही हो? राधे मोहन बाबा। ओ बहुत चतुर हो तुम। फोन किया था तुम्हें, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो समझ गया कि दामिनी ने तुम्हारे कॉल्स पर बैन लगा दिया होगा ना। और बोलिए।
और क्या? और क्या? और क्या बोलिए ना मोहन जी। नहीं, वो तो बस ऐसे ही फोन किया था मैंने, ये बताने के लिए कि उनका एलोक्यूशन रेडी है, उसे खाना खिला दिया है, उसके साथ खेल भी लिया है। और जब बात मन में है वो जुबान पे क्यों नहीं लाते? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि आपको हमारी याद आ रही थी? ओ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस अपने ऑफिस वालों की टेंशन हो रही है। तुम्हारी आंधी तूफान वाली पर्सनालिटी के लिए ना मेरे ऑफिस वाले रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान मत करना। ओके? अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। जी जी, क्या आप यहाँ हैं? अगर आप यहाँ हैं तो हमें कोई संकेत दीजिए। जी जी, देखिए आप शांत हो जाइए। तुलसी जी जी, देखिए हम जानते हैं कि आप बहुत नाराज हैं, तो आपने किसी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। यहाँ ना सबके सामने सब कुछ भी मत करे, जिसकी वजह से सबको शक हो जाए। इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं उस दामिनी को नहीं छोड़ूंगी। दामिनी जीजी को अपनी गलती की सजा देने की ना ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। लेकिन कुछ तो करना होगा ना राधा, इस बार उस दामिनी को मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगा जैसे राधा ठीक नहीं है। शायद ऑफिस में ही कुछ हुआ होगा। ऑफिस? पर तुमने तो कहा था ना मोहन कि राधा बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। हाँ, राधा तो सब कुछ मैनेज कर ही लेगी ना, वो शायद मैंने ही कोई बुरा सपना देख लिया। ये भी तो हो सकता है कि राधा जो है वो दामिनी की पिटाई कर रही हो। भरोसा नहीं है ना, आजकल दोनों का बॉक्सिंग मैच कहीं पर भी शुरू हो जाता है। नहीं, तुम टेंशन मत लो, आई एम श्योर राधा ठीक ही है। पर एक बार उसे फोन करके देख लेते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे राधा किसी खतरे में है?